जो सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, कल की बात है। और उसमें वहाँ जो वक्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने घोषणा की कि पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया जाएगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया जाएगा, महिलाओं की ताकत बढ़ाने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ एक बूथ सखी के नाम से बूथ वाइज एक एक महिला को संगठन में लिया जाएगा ताकि महिलाएं ताकतवर हो सकें, उनका सम्मान बढ़ सके। लेकिन इसके विपरीत हमारे यहाँ हिसार में, आपने कल खबर देखी होगी, आपके पास प्रेस नोट भी आया होगा, पार्टी अपनी जो नीतियाँ प्रेस में और लोगों के बीच में कहती है उसके विपरीत इन्होंने अपना जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, पुनर्नियुक्त किया है मैं कहूँगा, पहले इस्तीफा ले लिया गया था, हम किसी पे कोई व्यक्तिगत किसी को अपराधी ठहराने का काम नहीं कर रहे, ये काम कोर्ट का है या समाज का है। लेकिन आपके आदमपुर हल्के की बेटी, एक उदारा साहब बैठे हैं, हल्का प्रधान भी बैठे हैं आदमपुर के हमारे, और जिला प्रधान के परिवार की बेटी, वो जो दादा बोलती है, उसने पहले भी प्रेस के माध्यम से और कल भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि जननायक जनता पार्टी के पास संगठन में योग्य आदमी नहीं बचे जिनको इन अहम जिम्मेवारियों पर बैठाया जा सके। लेकिन इनेलो परिवार का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला गया था पहले, और हम जानते हैं कि बहुत योग्य साथी आज भी जननायक जनता पार्टी में हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती थी। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना भी इंतज़ार नहीं किया गया कि कोर्ट से कोई इस तरह का उनको प्रमाण पत्र या कोई इस तरह की राहत मिल जाती, उसके बाद भी ये कदम उठाया जा सकता था। तो एक तो ये जो सरकार का घटक दल है, इसकी दोहरी नीति इस मामले में सामने आई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन ये बातें कह रहे हैं, कल भी अभय सिंह चौटाला जी वहाँ गए थे शोक प्रकट करने, उनके परिवार से बात हुई सोनाली जी के, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। जब आपकी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पे या उनके लिखने पे तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं, आप सारे लोगों को ये प्रक्रिया मालूम है। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को केस देने में डिले किया जा रहा है, वो किसके कहने से किया जा रहा है, कौन लोग थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी कई घंटे, कौन ऐसे लोग थे जो इस हत्या को एक हार्ट अटैक के नाम पे लिपापोती कर देना चाहते थे, तो एक जांच का विषय है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की मांग करती है कि उस परिवार को न्याय मिल सके, दूध का दूध पानी पानी का पानी हो सके, तुरंत प्रभाव से ये जांच सीबीआई को देने का काम गोवा सरकार को करना चाहिए, और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने अपनी जो कथनी थी कि परिवार मेरे से निवेदन करेगा तो मैं तुरंत इसकी सीबीआई जांच करवाने का काम करूंगा, तो ये जांच होनी चाहिए, और जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं या छोटे चेहरे हैं, वो सामने आने चाहिए। तीसरी, ये जो ड्रग्स का एक युवा की पीढ़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश में, विधानसभा में भी हमारी पार्टी की ओर से
कई बार उठाने का काम किया गया, जब ये लगता था कि ये सिरसा और फतेहाबाद की समस्या ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह की घटना सोनाली जी के मामले में हुई, जिस तरह के ड्रग्स यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारा यूथ है, उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। पूजा सिहाग है, हमारी बेटी है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जिला प्रधान, इनके गाँव की बेटी अभी मेडल लेके आई थी कॉमनवेल्थ में, और इसी तरह कोई पार्टी थी उनके हस्बैंड जो वो भी पहलवान हैं, प्रतिष्ठित पहलवान रहे हैं इसी तरह की पार्टी में, उनको भी ड्रग्स दी गई। तो इस तरह ड्रग्स आम तो आम बात होगी युवा लोगों की पार्टियों में, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन माफिया लोग इसको संचालित कर रहे हैं। बार बार विधानसभा में अभय सिंह चौटाला के द्वारा ये बात उठाई गई, लेकिन फिर भी आज तक न जाँच की गई, न इसके पीछे जो गिरोह हैं उनकी कोई जाँच करवाने का काम सरकार द्वारा किया गया। रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं प्रदेश में आए दिन, पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में हुआ, फिर सोनीपत में हुआ, सरकारी ज़मीन सैकड़ों करोड़ की अपने नाम अधिकारियों की मिली भगत से करवा ली गई। अभी हमारे नारनुंद में, नारनुंद तहसील में सेठ घनश्याम जी हैं, तहसील के सामने उनका कारखाना है घनश्याम स्नोफ ओम प्रकाश, उनकी ज़मीन को ऐसे गिरोह द्वारा झूठे कागजात तैयार करवा के अपने नाम करवाने का काम किया गया। उसकी रजिस्ट्री भी होगी, उसका तहसीलदार ने इंतकाल भी दर्ज कर दिया, लेकिन जब ये उनका पर्दाफाश हुआ तो इंतकाल कैंसिल कर दिया गया, रजिस्ट्री रद्द कर दी गई। जब वो एसपी हांसी से मिले तो कहा जब आपकी ज़मीन आपके पास वापस आ गई है तो फिर आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस मामले में। जब पंचायतों ने जाके ये कहा भाई क्राइम तो हुआ है, मान ले एक चीज़ थी वो झूठी रजिस्ट्री हुई, किसी ने कागज़ भी तैयार करवाए हैं, तहसीलदार ने उसका रजिस्ट्री करी है, इंतकाल करी है, बहुत दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई है कल परसों में ही, तो इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह लूट लगी हुई है ज़मीनों की, कौन लोग हैं जिसकी वजह से तहसीलदारों को, कर्मचारियों को, लोगों को लूट के पैसे पहुँचाने पड़ रहे हैं, इसकी जाँच भी हम चाहते हैं भाई नारायण दुवाली की भी जाँच हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो। पंचायत चुनाव डिले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने, जो ये अरसा रहा इस बीच का पिछली पंचायत के और आज के दिन के बीच का, जितने भी फंड थे पंचायतों में आप बेसिक इंक्वायरी करवा लो, जो सरपंच छोड़ के गए थे वो सारे फंड इन्होंने मिसयूज कराया उनका, सोलर स्ट्रीट सोलर लाइट के नाम पर और ई रिक्शा के नाम पर, कहीं झूठे और कहीं सच्चे इस तरह के बिल लगाने का काम किया गया। जो इशार की फर्म वो ई रिक्शा 1.5 लाख रुपए में दे रही थी या वो इंस्ट्रूमेंट सस्ते दे रही थी, वो सोनीपत से जाके 1.95 में 2 के बिल बनवा के वहाँ से लिए गए, और सारा जो पैसा था वो इस तरह इन्होंने खर्च करने का काम किया। भगवान दास जो BDO जिनके पास 3 ब्लॉकों का चार्ज था, स्पेशल इस बात के लिए बैठा रखे थे, उन पर कार्रवाई भी हुई है, 55 लाख का एक घोटाला निकला है, 2 और निकले हैं, इस तरह सारे ब्लॉकों में लूट हुई है। और खुद देवेंद्र बबली जी जो इस महकमे के मंत्री हैं वो सरेआम आप लोगों के प्रेस के सामने ये कह रहे हैं कि लूट मची हुई है इस डिपार्टमेंट में, और मैं ऐसे आए हूँ, मेरे साथ कोई नहीं लग रहा, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए वे किस तरह वो ऐसा है मंत्री रहते हुए, या तो उन लोगों पर कार्रवाई हो या फिर वो मंत्री जी भी अपना पद छोड़ने का काम करें। हमारे यहाँ तो आए दिन जो नारनुंद से विधायक हैं वो भी ये बात कहते रहते हैं कि हर महकमे में लूट मची हुई है, खा गए, लूट गए, जीम गए, अकेले जीम गए, तो ये सारी बातें भी जांच का विषय हैं। इसके साथ साथ मैं आप सारे साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसे लोकदल और समाजवाद से जुड़ा हुआ हर एक आदमी हिंदुस्तान में एक त्यौहार की तरह मनाने का काम करता है। इस बार फतेहाबाद में अनाज मंडी में उस रैली को आयोजित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए अनेक नेता भाग लेने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में लोगों को न्योता देने के लिए भाई अभय सिंह चौटाला के हमारे हिसार जिले के कार्यक्रम बने हैं, जिनमें वो 6 तारीख को उकलाना हल्के को एक दिन के लिए समय देंगे, लोगों को न्योता देने का काम करेंगे। 7 तारीख को नलवा हल्के में, 8 तारीख को बरवाड़ा,
नौ को नारणुंद और इसके बाद आदमपुर हल्के का पूरे का 3 दिन का विलेज टूर भी करने का काम करेंगे ताकि जन जन तक ये निमंत्रण और न्योता पहुंच सके और हिसार ज़िले से हजारों की संख्या में लोग वहाँ उस उत्सव में शामिल होने का काम कर सकें। तो इसके लिए भी और साथ ही साथ पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है, कल पता नहीं आज मीटिंग भी है पंचायत चुनाव के बारे में सरकार की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ने का काम करेगी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं साथी हैं वो पूरे जोश खरोश से जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में मतदान करके उनको जितवाने का काम करेंगे।